मेरी वालदा को, मेरी माँ को मेरे सामने तलवार मार के गर्दन के ऐसा किए। मेरी आंखों के सामने, मैंने आंखों के सामने देखा। The green and silver flag is hoisted and Muhammad Ali Jinnah does homage to the birth of Pakistan. Meanwhile in Delhi, the stage was set for British rule to give place to the new dominion of India. मेरा नाम जरीना परवीन है। मैं रियासत पटियाला में पैदा हुई 1935 में। जब तक पार्टीशन नहीं बना था तब तक ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, बहुत अच्छी गुजर रही थी। अब उसके बाद तो फिर मुसीबतें ही मुसीबतें आई हैं। Rioting and looting take a firm hold of the city as refugees pouring in from the Punjab add to the confusion and bloodshed on every hand. Time and again came the tragic aftermath of yet another ferocious outbreak. Survivors seek a new hiding place before the next attack. हमारे रिश्तेदार भी इधर उधर से सारे एक जगह इकट्ठे हो गए थे कि सारे एक ही जगह रहेंगे। उसके बाद खिड़की के नॉक हुई तो देखा कि सिख ही सिख सारे नंगी तलवारें लेके खड़े हैं सारे बाहर। अब सारे डर के मारे सहम गए। मेरी वालदा को, मेरी माँ को मेरे सामने तलवार मार के गर्दन के ऐसा किए। फिर मेरे भाई को, मेरे ब्रदर को, उसको भी ऐसे काट के फेंका। अभी भी मैं याद करती हूँ, मेरी रूह काँप जाती है। तो फिर उन्होंने क्या मिट्टी का तेल डाल डाल के सारा मकान जला दिया। सब लाशों के नीचे मैं बैठी थी। उसके बाद फिर सिख फौज आई, उन्होंने आके लाशें जो उठाई तो नीचे से फिर मुझे उठाया। मेजर था सिख, अच्छा आदमी था वो। जहाँ भी है रब उसको अच्छा रखे। उसने मुझे गोद में उठा के तो बहादुरगढ़ कैंप में छोड़ के आया और अपने टिफ़िन में से रोटी मुझे उसने खिलाई। Ordinary accommodation is impossible and makeshift camps are springing up in every clear space. खाने को थोड़े से चने मिलते थे और तो कुछ नहीं मिलता था। कपड़े फट गए, जूतियाँ टूट गईं, सरों में जुएं पड़ गईं। बहुत बुरी हालत से गुजारा किया। बस ये है कि उस वक़्त अपने घर वाले बहुत याद आते थे। ये है कि फिर भी वहाँ लोग अच्छे थे, प्यार करते थे। बचपना था हमारा। ज़मीन पर सोते थे और तो कुछ नहीं था। ऊपर लेने के लिए भी चादर कोई नहीं होती थी, कोई कपड़ा नहीं होता था। जैसे ऐसे ऐसे करके सोते। अरे नहाना किस बात की बात है भाई, नहाना पानी पीने को नहीं था। नहाने को कहाँ से पानी मिलेगा? गंदा पानी मिलता था, मट्टी वाला पानी। पाकिस्तानी फौज आई थी लेने के लिए मलेर कोटला में। ट्रक लेके आए थे तो उस ट्रकों में भर के लेके गए थे। लाहौर में तो कैंपों में रहे हैं। उसके बाद लाहौर शहर में जब ट्रक वहाँ से गुजरा तो सारे मकान जले हुए थे, टूटी फूटी बिल्डिंगें थी। बहुत बुरा हाल था लाहौर का भी। और लाहौर का जो स्टेशन था वो सारा लाशों से पटा हुआ था। लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी स्टेशन के ऊपर। मैं तो थोड़े दिन ही रहे हैं। उसके बाद मेरी माँ की रिश्तेदार थी, खाला मेरी थी यहाँ पे मोची दरवाज़ा में, तो वो फिर हमको ले के गई थी। उनके साथ रही हूँ मैं। Curfew was imposed as troops and police went all out to quell the communal warfare. Shuttered and silent streets for the background of uneasy calm as patrols were kept at the ready 24 hours out of 24. दूसरा कोई नहीं जानता। हमें पता है कि पाकिस्तान कैसे बना, कुर्बानियों से बना। इज्जतें लुटी हैं, औरतों की इज्जतें लुटी हैं। सड़कों पे रेप हुआ। कोई एक बात तो नहीं है, वहाँ तो हज़ारों बातें हैं। बच्चों को काट के फेंका, औरतों की सीने काटे, औरतों को रेप किया। मेरी अपनी बहनों का कोई पता नहीं है कहाँ है। क्या करें, क्या मुसीबतें थीं। Guests of honor in the Muslim capital were Lord and Lady Mountbatten carrying out one of their last viceregal duties before the partition of India took effect. ये बरतानिया हुकूमत को भी मैं दाद भी देती हूँ, दुआ भी देती हूँ, पर यह है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। मुसलमानों को मरवा के दुश्मनों को आगे लाके तो क्या किया? कुछ नहीं आ जाए। उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। मुसलमानों तो वैसे ही तबाह हो गए। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर है, जो भी है, वो आके हमसे माफ़ी मांगे कि हमारे जैसे लाखों बच्चे, लाखों औरतें, लाखों लड़कियाँ बेघर हो गई हैं। ना इधर के रहे, ना वो कहते धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। कहाँ कहाँ नहीं रहे हम लोग, हमारी तो पहचान ही ख़त्म हो गई है।